अगर आप लोग वन प्लस के डिवाइस यूज़ करते हैं और आपके फ़ोन में अपडेट नहीं आया है, दूसरे के फ़ोन में अपडेट आ गया, आपके फ़ोन में अपडेट नहीं आया, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किससे आप लोग अपने फ़ोन में अपडेट कर सकते हैं। तो सिंपली इसका तीन मेथड है, एक आपके सिस्टम ऑपरेटर में ऐप आएगा, एक आप लोग लोकल अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। और दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में लोकल अपडेट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो सिंपली आप लोग को इस वर्सन पर जाना है और बिल्ड नंबर पर 7 बार टाइप करना है। 7 बार टाइप करेंगे, फिर बैक करेंगे, जाएंगे अपडेट में और थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे, आपको लोकल इंस्टॉल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और तीसरा, आप लोग इस एप्लीकेशन की वजह से अपने फ़ोन में अपडेट कर सकते हैं। वेल गाइस, फाइनली वन प्लस के डिवाइस में 5G वाला अपडेट हमें देखने को मिल जाता है। यानी दोस्तों, अगर आप लोग वन प्लस 8 8 8 प्रो यानी वन प्लस 8 सीरीज के डिवाइस को यूज़ करते हैं और अपने सिस्टम अपडेटर में जाएंगे, तो आप लोगों को एक अपडेट देखने को मिला होगा C.36 का। इस अपडेट में जो 5G की सपोर्ट है दोस्तों, वो यहाँ पर इनेबल हो गया। Jio 5G, Airtel 5G और V5G। V मतलब वोडाफोन आइडिया दोस्तों। अगर आपके सिस्टम ऑपरेटर में ये अपडेट देखने को नहीं मिला, तो आप लोग इसे मैनुअली अपडेट कर सकते हैं ऑक्सीजन अपडेटर ऐप के थ्रू, या फिर दोस्तों आप लोग यहाँ से लोकल अपग्रेड भी कर सकते हैं। वेल फाइनली यहाँ पर हमें 5G का अपडेट देखने को मिल गया। अगर आपके पास वन प्लस 8 8T 8 प्रो और वन प्लस 9 आ रहे हैं दोस्तों, तो उस डिवाइस में आप लोगों को C.36 की अपडेट देखने को मिला है, C.36। और इस अपडेट में आते हैं दोस्तों, चेंज लॉग में आते हैं हम लोग यहाँ पर, तो सिस्टम में, कम्युनिकेशन में, कैमरा में कुछ फिक्सेस हमें देखने को मिला है, अपडेट मिला है। तो सिस्टम की दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, तो अक्टूबर की सिक्योरिटी पॉलिसी देखने को मिल जाता है। जाते हैं हम लोग अपने अबाउट फोन में और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को 5 अक्टूबर की सिक्योरिटी पॉलिसी देखने को मिल जाता है और एंड्रॉयड में 12 भी देखने को मिलता है, जबकि एंड्रॉयड 13 की बीटा वर्सन 80 के लिए आ चुका है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, अगर आप लोग अपने फ़ोन में बीटा वाला वर्सन को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो और दोस्तों, आज की इस वीडियो में लाइक का टारगेट रखते हैं 100। उम्मीद करता हूँ आप लोग 100 लाइक्स जल्द से जल्द कम्प्लीट करा देंगे। तो हमें यहाँ पर अपडेट देखने को मिल गया है, 5G की सपोर्ट देखने को मिल गया है। पर दोस्तों, अगर जाते हैं हम लोग अपने फ़ोन की सेटिंग में, मोबाइल नेटवर्क में, सिम में जाते हैं, प्रीफर्ड नेटवर्क में जाते हैं, 5G को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसको जाते हैं कैरियर में, ऑटो सेलेक्ट को हटाकर यहाँ पर टर्न ऑफ करते हैं और यहाँ पर मैनुअली सर्च करते हैं। तो मैनुअली सर्च करने में दोस्तों यहाँ पर 5G Jio 5G ऑप्शन आता है, पर मुझे अब तक समझ में नहीं आया, जब हमारे नेटवर्क सर्च में 5G आता है तो 5G यहाँ पर क्यों सिलेक्ट नहीं होता है। जिस सिटी में उसमें मैं रहता हूँ, कोलकाता, कोलकाता में ऑफिशियली जियो ने अनाउंस किया यहाँ पर हमें Jio 5G की सपोर्ट देखने को मिलेगा, पर दोस्तों अभी तक मैं यहाँ इसे टेस्ट नहीं कर पाया हूँ। अगर आप लोग कोलकाता से बिलोंग करते हैं या फिर जिस शहर में जियो ने 5G को रिलीज़ किया है, अगर आप उस शहर से बिलोंग करते हैं, दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, कोलकाता, इसके अलावा दोस्तों चेन्नई और राजस्थान की 2 सिटीज़ भी आ गए हैं, अगर आप लोग इन 6 शहरों से बिलोंग करते हो और आपके फ़ोन में अपडेट आ गया है, आपके पास कोई सी भी डिवाइस है, अगर आपके फ़ोन में 5G का अपडेट आ गया और आप लोग Jio के 5G यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके बताइए।